खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सीधे आपको लिए चलते हैं, इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके साथ केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी वो गाजीपुर से पुनः चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ मेनका गांधी जी वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी और वरुण गांधी वो पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। बाकी नाम मैं पढ़ता हूँ। रामपुर से प्रसिद्ध जो एक्ट्रेस हैं जयप्रदा जी, राजनीतिक भी हैं, वह चुनाव लड़ेंगी। धौराहाट से रेखा वर्मा, फरुखाबाद से मुकेश राजपूत, इटावा से रामशंकर कठेरिया जो अभी तक सांसद हैं वह लड़ेंगे, कन्नौज से सुब्रत पाठक, कानपुर से सत्यदेव पचौरी जी, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, जालौन से भानु प्रताप वर्मा सांसद, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चौहान, फतेहपुर से केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी चुनाव लड़ेंगी, कौशाम्बी से हमारे विनोद सोनकर जी सांसद वह चुनाव लड़ेंगे, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश में मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी चुनाव लड़ेंगे इलाहाबाद से, बाराबंकी से उपेंद्र रावत, फैजाबाद से लल्लू सिंह जी, बहराइच से जो अक्षयवर लाल गौड़, इसके अलावा केसरगंज से श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह पहले से वहां से सांसद हैं, सारस्ती से दद्दन मिश्रा, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल जी, उसके साथ बस्ती से हरीश द्विवेदी जी, महाराजगंज से पंकज चौधरी जी, कुशीनगर से विजय दुबे जी चुनाव लड़ेंगे, बांसगांव से पार्टी ने कमलेश पासवान जी को पुनः टिकट दिया है, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा जी, इसके अलावा बलिया से भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष सांसद बीरेन सिंह मस्त जी चुनाव लड़ेंगे, गाजीपुर से मैंने पहले ही बता दिया कि मनोज सिन्हा जी, और चंदौली से महेंद्र पांडे जी का मैंने पहले ही आपको जिक्र कर दिया। इसके साथ साथ जो पश्चिम बंगाल की 10 सीटें हैं उनकी मैं आपके समक्ष से उनका नाम पढ़ता हूँ। मुर्शिदाबाद से पूर्व मंत्री रहे ऐसे श्री हुमायूं कबीर जी पहले। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बड़ी बात यह, उत्तर प्रदेश में मुरली मनोहर जोशी को कानपुर से टिकट नहीं, मुरली मनोहर जोशी को टिकट नहीं मिला है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों की सीट जो है उसे अदला बदली कर दी गई है। अब मेनका गांधी सुल्तानपुर से और वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनाव लड़ेंगी, अभी सुल्तानपुर के सांसद उनके बेटे वरुण गांधी, और पीलीभीत जहां से खुद मेनका गांधी सांसद हैं वहां से वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो ये मां बेटे की सीटों की अदला बदली कर दी गई है। सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जो पीलीभीत से सांसद हैं, पीलीभीत की सीट पर भेज दिया गया है सुल्तानपुर के सांसद उनके बेटे वरुण गांधी को। मां बेटे की सीटों की कर दी गई है अदला बदली। इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी जो कहा जा रहा था वैसा ही हुआ है, उनका टिकट कट चुका है। और बड़ी बात यह कि मनोज सिन्हा को एक बार फिर से गाजीपुर से ही चुनाव मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और हम सीधे रुख करते हैं इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद है। विकास, मां बेटे की सीटों की अदला बदली, वरुण गांधी अब पीलीभीत से, मेनका गांधी सुल्तानपुर से, यह फैसला क्यों?
यह देखिए, दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी लोकसभा सीट से नहीं लड़ना चाहते थे। मेनका गांधी की इच्छा थी कि वो हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी ने दूसरे राज्य की सीट पर भेजने का फैसला जो मेनका गांधी चाहती थी उसको दरकिनार रखा। लेकिन चूंकि दोनों महाबेटे अपनी अपनी लोकसभा सीट से नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए सीट स्वैपिंग की इजाजत दे दी और अब मेनका गांधी वरुण गांधी के लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर से लड़ेंगे और वरुण गांधी मेनका गांधी के लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत से लड़ेंगे। तो इस तरह से जो एंटी इनकम्बेंसी थी उम्मीदवार के खिलाफ उसको टाला गया है इस तरह से सीट स्वैपिंग करके। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि ये सीट स्वैपिंग करके जो एंटी इनकम्बेंसी है उस फैक्टर की काट ढूंढने की कोशिश की गई है, लेकिन भदोही में हमने देखा किस तरीके से स्मृति ईरानी की सभा में हंगामा होता है और भदोही के सांसद को भेज दिया जाता है, वहां पर सांसद उम्मीदवार बदल दिया जाता है। साथ ही बड़ी बात यह कि मुरली मनोहर जोशी को टिकट नहीं दिया गया है और रीता बहुगुणा जोशी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है इलाहाबाद से, उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है। विकास जी, बिल्कुल, देखिए जब मुरली मनोहर जोशी को कानपुर से टिकट नहीं देने की बात चल रही थी क्योंकि वो 75 के पार हो गए हैं, तो साथ ही साथ ये भी चल रहा था कि मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद से उनको लड़ाया जा सकता है और चूंकि इलाहाबाद से पहले सांसद रह चुके हैं ऐसी सूरत में वो मुफीद उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन चूंकि मुरली मनोहर जोशी पर एक सैद्धांतिक फैसला ले चुकी थी कि 75 पार वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना है, इसलिए वहां इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, भदोही से सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी भदोही में बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनको बाजू की सीट बलिया पर भेजा गया है। ये भी ठाकुर बहुल इलाका है और वीरेंद्र सिंह मस्त चूंकि क्षत्रिय समाज से आते हैं, क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, इसलिए उनको बगल की सीट पर भेजा गया है। तो इस तरह से कई सीटें ऐसी हैं जिन पर अदला बदली की गई है। पुराने कुशीनगर से जो सांसद थे उनकी जगह विजय शर्मा को टिकट दिया गया है जो कि विधायक हैं। रीता बहुगुणा जोशी केंद्र में मंत्री, रामशंकर कठेरिया की सीट भी बदल दी गई है। विकास जी हाँ, बिल्कुल, रामशंकर कठेरिया जो कि आगरा से सांसद थे उनको इटावा भेजा गया है जो कि सुरक्षित सीट है। इसके अलावा सत्यदेव पचौरी जो कि कानपुर से विधायक भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको मुरली मनोहर जोशी की जगह चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो आप कुल मिला के देखेंगे कि जो जातिगत समीकरण है उनका ध्यान रखते हुए ये भी ध्यान रखा गया है कि जो एंटी इनकम्बेंसी अगर कैंडिडेट के खिलाफ ज्यादा है तो उसको दूसरी सीट पर भेज दिया जाए और अगर वो दूसरी सीट पर मुफीद नहीं है तो फिर स्थानीय विधायकों को मंत्रियों को तरजीह दी गई है। मैं इसी पर आ रही थी विकास भदौरिया। तो ये जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई है इसमें मोटे तौर पर जो बड़ी बात पढ़ी जा सकती है वो ये कि एक तो सत्ता विरोधी काट ढूंढने के तौर पर फैसला ये पार्टी की तरफ से लिया गया है कि ज्यादातर जो सिटिंग एमपीज हैं उन्हें दोबारा उतारा जाए चुनाव मैदान में, लेकिन सीटों की अदला बदली करके। और दूसरी बड़ी बात जो आप ही रेखांकित कर रहे थे वो ये कि जहां उम्मीदवार नहीं थे वहां पार्टी ने यूपी सरकार के अंदर मंत्री, बीजेपी के उत्तर प्रदेश में ऐसे नेता जो सीधे जमीन से जुड़े हुए हैं, बड़े चेहरे हैं, उन्हें इस बार 2019 लोकसभा चुनाव में मौका दिया गया है। विकास, यही मोटी बात इस लिस्ट की? जी हाँ, बिल्कुल, ऐसे उम्मीदवारों को जैसे कानपुर में मुरली मनोहर जोशी की जगह एक ब्राह्मण चेहरा देना था, लेकिन ऐसा कोई चेहरा ब्राह्मण वहां पर नहीं नजर आ रहा था जो कि सबको स्वीकार्य हो। ऐसी सूरत में सत्यदेव पचौरी जो कि हालांकि उन पर भी शुरुआत में लोगों को स्थानीय नेताओं को ये था कि सत्यदेव पचौरी उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण चेहरा है और मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटा गया था इसलिए वहां से ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारना मुफीद था, तो कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी को मौका दिया गया। इस तरह इलाहाबाद सीट पर भी रीता बहुगुणा जोशी को मौका दिया गया। रीता बहुगुणा जोशी वहां पर लंबे समय तक एक्टिव रही हैं, विधायक रही हैं, तो ऐसी सूरत में इलाहाबाद सीट उनके लिए मुफीद रहती तो उनको इलाहाबाद से लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया। तो जहां पर भी उम्मीदवारों की कमी नजर आई और ऐसा लगा कि कोई बाहर से उम्मीदवार लाकर उस पर सहमति बनाई जा सकती स्थानीय नेताओं की और प्रदेश नेतृत्व की, तो दूसरी सीट पर भी शिफ्ट किया गया। मसलन रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ से इलाहाबाद भेजा गया, वीरेंद्र सिंह मस्त को भदोही सीट से बलिया भेजा गया। तो इस तरह से जो सत्ता विरोधी लहर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए जो बात विकास भदौरिया कह रहे थे, एक ऐसी मिसाल भी देखने के लिए मिली है कि आज ही जया प्रदा जो बीजेपी में शामिल हुई उन्हें भी रामपुर से उम्मीदवार बना दिया गया है। उनके नाम का ऐलान भी इन उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ पार्टी की तरफ से कर दिया गया।